देखिए दोस्तों, एक रैट स्नेक है। मराठी में इस सांप को धामन कहते हैं और हिंदी में और हरियाणवी लैंग्वेज में इसे घोड़ापछाड़ सांप के नाम से जाना जाता है। इन लोगों का कहना था कि इसके पीछे दो नेवले लगे थे, तो नेवले इसे मारने ही वाले थे, लेकिन लोगों ने नेवले से इसकी जान बचाई और ये जान बचाते उस लकड़ी के अंदर चला गया था। तो लोगों ने हमें तुरंत कॉल करके बुलाया। जब हम यहाँ पर आए तो देखा कि ये अंदर छुपी हुई थी, तो हमने इसे सुरक्षित बाहर निकाला है। दोस्तों, ये बहुत ही शांत स्वभाव के सांप होते हैं। ये टोटली नॉन वेनमस होने के कारण अगर इसने बाइट भी किया तो किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, ये अभी बहुत चिड़े वाला है क्योंकि इसके पीछे नेवला लगा था, तो अभी इसको ऐसा लग रहा है कि शायद हमसे भी इसे खतरा होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, कैसा अटैक करता है। इस सांप के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे अंधश्रद्धाएं फैली होती है। कई लोगों का मानना होता है कि ये सांप गाय और भैंसों को लपेटकर उसका दूध पीता है, लेकिन दोस्तों, किसी भी सांप के स्टमक में दूध को पचाने वाले एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कोई सांप दूध नहीं पीता है। अक्सर ये पेड़ों पर रहने वाला सांप होता है, तो ऊपर की टहनी से नीचे की टहनी पर कूदने के लिए ये ऐसी ग्रिप का सहारा लेता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये ऐसा पेड़ को भी ऐसा लटक सकता है। तो इन लोगों की सतर्कता से आखिरकार इस सांप की नेवले से जान बच गई है। दोस्तों, तो अभी इस सांप को हम इसके प्राकृतिक निवास यानी नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये जगह इसे रहने के लिए बिल्कुल ही अनुकूलित है। इस जगह पर इसे पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा और पानी भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी इस जगह पर इसे रिलीज कर देते हैं।